नमस्कार, सत्योदय में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिन्हा। 1994 में एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर। इस फिल्म में एक सीन था जहां बस्ती में दंगा हो जाने के बाद एक व्यक्ति अपने बच्चों से पूछता है कि बता तेरी माँ को किसने मारा। बच्चों का जवाब होता है हिंदू ने। इसी सीन में नाना पाटेकर ने खुद के हाथ से खून निकाला और उस व्यक्ति के हाथ से भी खून निकाला और पूछा कि बता इसमें हिंदू का खून कौन सा है और मुसलमान का कौन सा। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो तू कौन होता है इसमें फर्क करने वाला। इस फिल्म को करीब 25 साल बीत चुके हैं लेकिन कुछ लोगों ने आज भी सबक नहीं लिया है। ताजा मामला फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमैटो से जुड़ा है। अमित शुक्ल नाम के एक शख्स ने अपना ऑर्डर सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि फूड डिलीवरी करने वाला एक गैर हिंदू था। देखिए ये रिपोर्ट। नमो सरकार की ट्विटर आईडी वाले पंडित अमित शुक्ला ने 30 जुलाई को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अभी अभी जोमैटो पर एक ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि वो एक गैर हिंदू राइडर को खाना पहुंचाने मेरे पास भेज रहे थे। उनका कहना है कि वे राइडर चेंज नहीं कर सकते और ऑर्डर कैंसिल करने पर रिफंड भी नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप मुझे डिलीवरी लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैं रिफंड नहीं करना चाहता हूं, बस कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद अमित शुक्ला ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जोमैटो ऐप को हटाने की जानकारी दी। शुक्ला ने लिखा, जोमैटो मुझ पर उन लोगों से डिलीवरी लेने का दबाव बनाती है जिनसे मैं नहीं लेना चाहता, फिर वो ना रिफंड करती है और ना कॉपरेट, इसलिए मैं ये ऐप हटा रहा हूँ। इस मुद्दे पर वकीलों से बात करूंगा। शुक्ला को लगा कि उन्होंने ये ट्वीट कर कोई बहुत बहादुरी भरा और उम्दा काम कर दिया है और अब जोमैटो उनसे माफी मांग लेगा और फिर से अपनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए उनसे गिड़गिड़ाएगा। लेकिन जोमैटो ने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि भोजन का कोई धर्म नहीं होता है, ये खुद में एक धर्म है। इसके बाद जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने कहा कि अगर ऐसे ग्राहक हमें छोड़कर जाते हैं तो जाएं। गोयल ने ट्वीट में लिखा, हमें आइडिया ऑफ इंडिया और हमारे सम्मानित ग्राहकों एवं पार्टनरों की विविधता पर गर्व है। हमें हमारे मुल्क के रास्ते में आने वाले बिजनेस खाके पर कोई दुख नहीं है। जोमैटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने बिल्कुल वही कहा है जिस बात का पूरी ताकत से ऐलान हमारा संविधान भी करता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ना ही सरकार कर सकती है, ना ही कोई दूसरा नागरिक। इस घटना पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल सत्योदय को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।